अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कैलस कल्चर। ठीक है, तो कैलस कल्चर एक टेक्निक है हमारे पास, ठीक है ना, जिसके अंदर कैलस प्रोड्यूस किया जाता है। हमें पता है कैलस कल्चर एक टेक्निक इन विच द कैलस इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, कैलस की प्रोडक्शन है। तो अगर हम इसकी प्रॉपर, तो कैलस क्या है हमारे पास, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ द सेल्स, मतलब कि जो डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है ना, सेल्स का एक मास है जो डिफरेंशिएट नहीं हुआ ऑर्गन के अंदर, एक अनडिफरेंशिएटेड सा मास पड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं हमारे पास कैलस है। ठीक है, तो कैलस कल्चर बेसिकली है क्या, ये एक टेक्निक है जिसके अंदर ना प्लांट के किसी पार्ट का ना जो पीस लिया जाता है, पीस ऑफ दी प्लांट पार्ट, एक प्लांट पार्ट का पीस लिया जाता है और उसके बाद उस पीस को ग्रो करवाया जाता है एक न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर, एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर उस प्लांट पार्ट के पीस को ग्रो करवाया जाता है, ठीक है ना। और तो कैलस कल्चर के अंदर जो प्लांट पार्ट का एक पीस है उसको लिया जाता है, ठीक है, उसके बाद उसको ग्रो करवाया जाता है एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर, ठीक है और वहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम में कंट्रोल्ड कंडीशन रखी जाती है, एक कंट्रोल्ड कंडीशन में, ठीक है, इन न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि अगर हम कैलस की बात करें, कैलस क्या था, अगर हम कैलस की यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको लिख के देती हूँ, अगर आपको पेपर में आ जाती है तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट की डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि न्यूट्रिएंट मीडियम और कंट्रोल्ड कंडीशन, ये दोनों ही स्टिम्युलेट करते हैं एक्स प्लांट को कि वो मास बनाए, अनडिफरेंशिएटेड मास बनाए सेल्स का, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें, न्यूट्रिएंट मीडियम प्लस कंट्रोल्ड कंडीशंस, और कंट्रोल्ड कंडीशन, ठीक है, ये दोनों ही क्या करती हैं, ये स्टिम्युलेट करती हैं एक्स प्लांट को, ये एक्स प्लांट को इस चीज़ के लिए स्टिम्युलेट करती हैं कि वो अनडिफरेंशिएटेड मास बनाए सेल्स का, टू मेक दी अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी इसकी प्रोसीजर की, ठीक है ना, जो स्टेप्स होते हैं कैलस कल्चर के, इसके जो स्टेजेस होते हैं, ठीक है ना, हर प्रोसेस को परफॉर्म करवाने के लिए कुछ स्टेजेस होते हैं ना, तो हम स्टेजेस देखेंगे यहाँ पे कैलस कल्चर के। तो कैलस कल्चर ना बेसिकली एक पावरफुल टेक्निक होती है, ठीक है ना, जो मैनिपुलेट करती है प्लांट सेल्स को, एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिससे मैनिपुलेशन करवानी होती है प्लांट सेल्स की और उनको इंड्यूस करवाना होता है, उसको उनके अंदर इस चीज़ की इंडक्शन जो है वो क्रिएट करवानी होती है कि वो नेक्स्ट जाके अनडिफरेंशिएटेड मास बनाए सेल्स का, ठीक है। और उस अनडिफरेंशिएटेड मास को क्या कहते हैं हम, कैलस, ठीक है। तो यहां पे ना मैं आपको कुछ स्टेजेस बताती हूँ कैलस कल्चर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट की टॉपिक है, आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है और साथ साथ नोट डाउन करना है, ठीक है, ठीक है ना। स्टेजेस ऑफ, एक मिनट मैं ना इसके अंदर इंक भर के लाती हूँ, ठीक है। तो स्टेजेस ऑफ कैलस कल्चर, ब्लैक इंक मेरी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, इसीलिए मैं ब्लू से अपने मैंने कंटिन्यू रखा है इसको। तो सबसे पहले आती है एक्स प्लांट की सिलेक्शन, एक्स प्लांट सिलेक्शन एंड कलेक्शन, ठीक है, फर्स्ट स्टेप है। ऑब्वियसली एक्स प्लांट हमारे पास मौजूद होगा तो नेक्स्ट उसकी कल्चरिंग करवाएंगे ना। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, ये कैलस की इनिशिएशन के लिए एक सूटेबल प्लांट का पार्ट जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, एक सूटेबल प्लांट का पार्ट लिया जाता है, एक सूटेबल प्लांट का टिश्यू जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, एक सूटेबल प्लांट टिश्यू सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, फिर आइडेंटिफाई पहले किया जाता है फिर उसको सिलेक्ट किया जाता है। इस सूटेबल प्लांट टिश्यू को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास है एक्स प्लांट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये एक्स प्लांट जो होता है ना वो क्या होता है, ये डिफरेंट सोर्सेज से आ सकता है, वो सोर्सेज है हमारे पास रूट,
ठीक है, स्टेम, ठीक है, लीव्स, ठीक है, फ्लावर, फ्रूट्स और इवन वो सीड्स भी हो सकते हैं। क्लियर? तो उन टिश्यूज़ की एग्जांपल अगर हम देखें कि जो ये बनाते हैं हमारे पास एक्सप्लांट जिनसे हम लेते हैं, वो हो सकते हैं स्टोरेज पैरेन्काइमा, ठीक है ना। ये इन टिश्यूज़ को हम कल्चर करवा सकते, इसकी कैलस कल्चरिंग करवा सकते हैं, मोस्टली इनकी करवाई जाती है स्टोरेज पैरेन्काइमा, जो स्टोर करते हैं फूड को, ठीक है। दूसरा है हमारे पास मीजोफिल सेल, ठीक है, जो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पेरिसाइकल, पेरिसाइकल है जो वेस्कुलर टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है ना, रूट्स के अंदर पेरिसाइकल, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कैम्बियल सेल्स, कैम्बियल सेल्स वो होते हैं जो क्या करते हैं ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। पेरिसाइकल, कैम्बियल सेल, कैम्बियल सेल इन्वॉल्व होते हैं ग्रोथ के अंदर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एक्सप्लांट की सिलेक्शन और कलेक्शन होगी। दूसरा है सूटेबल मीडियम, कल्चर मीडिया की सिलेक्शन और प्रिपरेशन, कल्चर मीडिया सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन, ठीक है। उसके अंदर क्या किया जाता है, स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिएंट मीडियम लिया जाता है कैलस की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इन न्यूट्रिएंट मीडियम की जो ये न्यूट्रिएंट मीडियम जो हो सकता है, ये मिलके बना होता है डिफरेंट असेंशियल न्यूट्रिएंट्स के साथ, ठीक है। जो हमने कल्चर मीडिया बनाना है वो किससे, किस चीज़ से मिलके बना होगा, बना होना चाहिए, ये होना चाहिए असेंशियल न्यूट्रिएंट्स, शुगर, हॉर्मोन्स जिसके अंदर ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन आते हैं, ठीक है, और सॉलिडिफाइंग एजेंट जिसके अंदर आता है एगर वगैरह, ठीक है ना, एगर वगैरह इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि एक्सप्लांट जो है उसकी सरफेस स्टीरलाइजेशन है नेक्स्ट स्टेप। पहले के अंदर है एक्सप्लांट की सिलेक्शन कलेक्शन, फिर है कल्चर मीडिया की प्रिपरेशन, और उसके बाद है एक्सप्लांट की स्टीरलाइजेशन। साफ होगा ना एक्सप्लांट फिर ही सही तरह से ग्रो करेगा, नहीं तो उसके अंदर डिफरेंट कंटेमिनेंट्स होंगे तो वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा कल्चर हमारा, ठीक है ना। तो पहला और दूसरा स्टेप आई होप सो कि आपको इसकी समझ लगी होगी। हम देखते हैं अब तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में क्या होता है, एक्सप्लांट स्टीरिलाइजेशन, क्लियर। तो इसके अंदर क्या होता है कि पहले एक्सप्लांट को स्टीरिलाइज किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक्सप्लांट को प्रोटेक्ट किया जाता है डिफरेंट कॉन्टेमिनेंट से, जिसके जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया है और फंजाई वगैरह है जो अटैक कर देते हैं, मतलब जो टिश्यूज़ होते हैं उनको अटैक करते हैं, नेक टिश्यूज़ को, ठीक है, या फिर वो टिश्यूज़ जो अपने प्लांट के कोई वाउंड वगैरह है, ठीक है ना, जहाँ पे इनको क्लू मिल रहा है ना कि कोई टिश्यू या सेल मौजूद है, उनको ये अटैक कर देती हैं बैक्टीरिया और फंजाई। अब हमने एक्स प्लांट की स्टेरिलाइजेशन करनी है ताकि बैक्टीरिया और फंजाई से बचा जा सके। तो ये कुछ डिसइंफेक्टेंट एजेंट यहाँ पर यूज़ होते हैं, एथानोल जो और सोडियम हाइपो क्लोराइड, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट एक्सप्लांट की स्टेरिलाइजेशन होगी, फिर है एक्सप्लांट की प्रिपरेशन। अब एक्सप्लांट की प्रिपरेशन हमने करवानी है यहाँ पे, एक्सप्लांट की प्रिपरेशन डिपेंड करती है डिफरेंट सोर्सेज के ऊपर। इसके अंदर होती है प्रोसेसिंग, ये मुख्तलिफ प्रोसेसिंग होती है एक्सप्लांट की, उसको इनोक्यूलेट करवाने के से पहले, उसकी इनोक्यूलेशन करवाने से पहले, उसकी ट्रांसफ़र करवाने के से पहले जो एक्सप्लांट की प्रिपरेशन होती है वो करवाई जाती है। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसको या तो कट कर दिया जाता है छोटे छोटे पीसीस के अंदर, ठीक है, या फिर ना एक्सप्लांट को कट कर दिया जाता है, या फिर ना कुछ अनवांटेड मटीरियल भी जो होते हैं इसके साथ, अनवांटेड
जो टिश्यूज़ होते हैं, सॉरी जो अनवांटेड टिश्यूज़ होते हैं उनको भी कट करवा दिया जाता है एक्सप्लांट से, ठीक है। एक्सप्लांट को छोटे छोटे पीसीज के अंदर कट कर दिया जाता है और एक्सप्लांट में से अनवांटेड टिश्यूज़ होते हैं वो भी रिमूव करवा दिए जाते हैं। फिफ्थ स्टेप है ट्रांसफ़र ऑफ द एक्सप्लांट, या हम इसको कह सकते हैं इनोक्यूलेशन या फिर ट्रांसफ़र ऑफ एक्सप्लांट, ठीक है। तो इनोक्यूलेशन या फिर ट्रांसफ़र है, तो नेक्स्ट क्या है कि जो ट्रांसफ़र करवाया जाता है ये स्टीरिलाइज्ड एक्सप्लांट है, ठीक है ना। स्टीरिलाइज्ड एक्सप्लांट है, प्रिपेयर्ड एक्सप्लांट है, ठीक है ना। हमारे पास उसको एक कल्चर मीडिया जो हमने प्रिपेयर किया था ना पीछे, ठीक है ना, सेकंड स्टेप में, उसके अंदर इसको ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है। और इस ट्रांसफ़र के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र करवाया है किसका, एक्सप्लांट का, किसमें, कल्चर मीडिया में। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र प्रोसेस को इनोक्यूलेशन, ठीक है, इनोक्यूलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स स्टेप है कल्चर इंक्यूबेशन, अच्छा। तो कल्चर इंक्यूबेशन के अंदर क्या होता है कि इनोक्यूलेटेड कल्चर को ना एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रखा जाता है जहाँ पे ऑप्टिमम, आपने ये ट्रांसफ़र कर दिया था ना एक्सप्लांट को कल्चर मीडिया के अंदर, अब इस जो एक्सप्लांट और कल्चर मीडिया की जो कंपोजिशन हमारे पास मौजूद है उसको हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक कल्चर मौजूद है। अब इस कल्चर की इंक्यूबेशन करवाई जाती है ऑप्टिमम टेम्परेचर में, लाइट, ह्यूमिडिटी वगैरह में, ठीक है। ये जो सेटिंग है ना हमारे पास, ये अलाउ करती है एक्सप्लांट को कि वो एडजस्ट करें खुद को और इनिशिएट करें कैलस की फार्मेशन को, ठीक है ना। तो यहाँ पे कल्चर इंक्यूबेशन में क्या होगी, कैलस की फार्मेशन यहाँ पे शुरू हो जाएगी क्योंकि ये ऑप्टिमम चीज़ें मिल रही हैं इसको और कैलस की फार्मेशन के अंदर इनिशिएशन होना शुरू हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास सेवन स्टेप है सब कल्चरिंग। सब कल्चरिंग के अंदर क्या होता है, जिस तरह कैलस ग्रो होता है ये इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होने शुरू हो जाती है, तो इस न्यूट्रिएंट को मेंटेन करने के लिए दोबारा उसकी कल्चरिंग टाइप ही किया जाता है, इसीलिए सब कल्चरिंग है ना, मतलब कि उनको डिफरेंट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं ताकि कैलस की ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहे और कैलस के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से उसकी जो ग्रोथ है वो ना रुक रहे, वो स्टेशनरी फेज के अंदर ना चले जाए, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर क्या होता है कि एक्टिवली ग्रोइंग कैलस को फ्रेश मीडियम के अंदर आप कल्चर मीडिया के अंदर आप बार बार ट्रांसफ़र करते रहते हैं, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास सब कल्चरिंग का प्रोसेस है, ठीक है। तो एट हमारे पास है स्टेप प्लांट रीजनरेशन, रीजनरेशन, अच्छा। प्लांट रीजनरेशन के अंदर क्या होता है कि डिपेंड करता है डिजायर्ड आउटकम के ऊपर कि जो कैलस है ना ये फर्दर मैनिपुलेट होता भी है प्लांट के अंदर कि नहीं होता है। तो इसके अंदर दो मेन मेथड है रीजनरेशन के, एक है हमारे पास ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। जो ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर यही होता है कि इंड्यूस किया जाता है जो कैलस है ना यहाँ पे बना हुआ, ठीक है, इसको इंड्यूस्ड किया जाना है कि वो नेक्स्ट ऑर्गन बनाए। इसके अंदर आते हैं शूट और रूट, ठीक है, और जिसकी वजह से कंप्लीट प्लांट इन शूट और रूट से आगे, कंप्लीट प्लांट ना दिया जाता है, ठीक है। और एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि कैलस को इंड्यूस किया जाता है कि वो नेक्स्ट बनाए सोमैटिक एम्ब्रियो जो कि जर्मिनेट करके क्या बना देगा, होल प्लांट, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको स्टेजेस ऑफ कैलस कल्चर की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।